पारो ने नकली छिपकली से मॉम को डराने की कोशिश की, उनका मजाक बनाने की कोशिश की। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल यही हुआ है। तो समझ में आ गया होगा ना तुम्हें ऋषि, ये पारो कैसी लड़की है। सबके बीच में इसने मजाक बना दिया हमारा, मजाक बनाया नहीं, मजाक उड़ाया है हमारा, ऐसे डरा के हमारा अपमान किया है। मॉम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आई मीन पारो ने जो किया है वो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके इंटेंशंस वो नहीं थे। उसके इंटेंशंस आपका अपमान करने के, आपका मजाक बनाने के या फिर आपको परेशान करने के बिल्कुल भी नहीं थे मॉम। ऋषि रियली? बुआ प्लीज वन सेकंड, आप मुझे बताइए मॉम, पारो आपके पास आई थी आपका पैर दबाने के लिए राइट? वो आई थी ना? हाँ आई थी, लेकिन हमने इसे पैर दबाने नहीं दिए, क्योंकि ये पैर दबाने नहीं, पटरिंग करने आई थी, हमें पटाने आई थी। इसकी चालबाजियां ना खूब समझते हैं। तो ऐसा क्यों सोचती है तू? आजकल हर बात को एक ही तरह से सोचने लगी है, कभी दिमाग को खुला रख के सोच। खुला रख के मतलब? हम समझे नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। दादी बस इतना कहना चाह रही हैं कि पारो के इंटेंशंस यहाँ पे भी गलत नहीं थे, वो आपको बटरिंग करने की कोशिश नहीं कर रही थी या फिर पटाने की कोशिश नहीं कर रही थी। इनफैक्ट पारो हमारे फैमिली में अपनी खुद की जगह बनाना चाह रही थी, ताकि आप सारी शिकायतें दूर कर दें, जो भी प्रॉब्लम आपको इससे है वो सब कुछ दूर हो जाए। ये सच में चाहती कि आप इससे प्यार करने लग जाए। ऋषि एक मिनट, क्या ये सारी बातें इसने तुमसे कही है? हाँ, इसी ने बताई है और यही सच भी है। नानी सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, मैं मानती हूँ कि ये छोटी बच्ची है और ये दिल जीतना चाहती थी, लेकिन इस तरह छिपकली से डरा के कौन दिल जीतता है? इसका तो यही मतलब है ना कि ये मामी को डराना चाहती थी। हाँ मैंने सोचा था कि जब बड़ी मोम नकली छिपकली से डरेंगी तो मैं इनको बचा लूंगी, तो ये मुझसे खुश हो जाएंगी और मैं इनका दिल जीत लूंगी। देखा ऋषि तुमने, ये कितनी छोटी है पर सोचती है और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग भी करती है, और अगर यही प्लानिंग कोई बड़ा करता है ना तो उसे साजिश कहते हैं। करिश्मा, मम्मी जी करिश्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, इसे प्लानिंग ही कहते हैं, साजिश। पहले डराना और फिर खुद बचा लेना, एग्जैक्टली इसी को साजिश कहा जाता है, और यह साजिश पहले वो, हाँ भाभी, पहले वो लक्ष्मी किया करती थी। दीदा मैंने कहा था ना आपको, मेरी माँ को कुछ मत बोलिए। मैंने तुमसे क्या कहा है कि तुम चुप रहोगी, और यहाँ मैं तुम्हारी मॉम की बात नहीं कर रही हूँ, उसे बीच में नहीं ला रही हूँ। लक्ष्मी मेरी माँ का नाम है। पारो बीच में मत बोलो। बुआ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुरानी बातों को यहाँ पे मत लाइए प्लीज, और यहाँ पे बात पारो की हो रही है, और जो कुछ भी पारो ने किया है मुझे नहीं लगता ये सब कोई साजिश है। ऋषि तुम अब भी इसकी तरफदारी कर रहे हो, तो इसमें गलत क्या है? हाँ हम जो कह रहे हैं वो गलत है ना मम्मी जी? मॉम मॉम क्या गलत है क्या सही है ये आप तय कीजिए, मुझे बस इतना बता दीजिए। एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, इस घर में जो कुछ भी पारो के साथ हो रहा है क्या बिल्कुल वही रोहन के साथ गाँव में हो रहा होता तो क्या वो सही होता, क्या आपको अच्छा लगता? मॉम रोहन बहुत खुश है गांव में, और किसकी वजह से? लक्ष्मी टीचर की वजह से। लक्ष्मी टीचर बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है रोहन का, उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दे रही है, वो इतना ज़्यादा खुश है कि उसका खुद के ही घर में वापस आने का मन नहीं कर रहा। और हम क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी टीचर की बेटी को घर से बाहर निकाल रहे, क्या ये सही है? हम ऐसे हैं मॉम? आप सब सोचिए कि लक्ष्मी टीचर क्या सोचेंगी, वो हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रही हैं, उसे हर एक खुशी देने की कोशिश कर रही हैं, हर एक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी टीचर की बेटी से नफरत कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट मॉम, सच में बिल्कुल सही नहीं है, इसमें हमारे नाम खराब होगा मॉम।